फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जैसे शहजाद, जनमंगल स्वामी, विवेक शर्मा, मनीष रोशन, सुमित पांडे, आशीष, कैरोन करकी, राजेंद्र मेहरा और ऋषिकेश कुमार। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि रिगार्डलेस ऑफ और इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, रिगार्डलेस ऑफ या इररिस्पेक्टिव ऑफ दोनों का मतलब होता है के परवाह किए बिना, यानी किसी चीज की परवाह किए बिना। आइए फ्रेंड्स इस बात को एग्जांपल में देखें ताकि आप अच्छा से इस कंसेप्ट को समझ सकें। रिगार्डलेस या इरिस्पेक्टिव ऑफ दोनों का मतलब होता है कि परवाह किए बिना या फिकर किए बिना। जैसे वह अपनी आमदनी की परवाह किए बिना खर्च करता है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्पेंड्स रिगार्डलेस ऑफ हिज इनकम, या फिर आप ये कह सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम। यानी आप रिगार्डलेस ऑफ की जगह पर इररिस्पेक्टिव ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है और ये दोनों एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अपनी सेहत की परवाह किए बिना वह शराब पीता रहा। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। ही वेंट ऑन ड्रिंकिंग वाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हेल्थ, यानी अपनी सेहत की परवाह किए बिना वह शराब पीता रहा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब की परवाह किए बिना। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सी ऑलवेज कीप्स स्माइल ऑन हर फेस, वो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है। रिगार्डलेस ऑफ हर मिजरी, अपनी मुसीबतों को परवाह किए बिना या अपनी तकलीफों को परवाह किए बिना। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अपनी तकलीफों को परवाह किए बिना वो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा रिगार्डलेस ऑफ मतलब के परवाह किए बिना। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो रिगार्डलेस ऑफ की जगह पर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ और रिगार्डलेस ऑफ का इस्तेमाल समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।